Hello and welcome, my dear students. Our today's topic is about the rules for the nomenclature of complex substituents. प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया है जनरल रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एज वेल एज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. नाउ दिस विल बी अवर थर्ड लेक्चर, रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स. दीज वेरी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड टू द carbon-carbon chain, is what we can say, the alkyl chain is the parent chain. For example, if anyone will ask you what is a complex substituent, dear students, a complex substituent is a substituent which is branched. प्यारे बच्चों, जब हमने रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स डिस्कस किया था, वहां पे मैंने इस तरह से एक कार्बन चेन ली थी और इस तरह से मैंने वहां पे कहा था दिस वेरी कार्बन एटम देयर वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ये वाली कार्बन चेन लॉन्गेस्ट थी और मैंने वहां पे कहा था कि दिस इज द सबस्टिट्यूएंट. लेकिन this very substituent is known as the simple substituent. For example, it may be methyl, it may be ethyl, or it may be propyl. But if it is like this, for example, ye meri main chain hai, yahan pe is tarah se substituent hai. This is the carbon chain. This is a carbon chain of 6 carbon atoms. इस तरह से substituent है. This is the main chain. इस तरह से substituent है. This is known as complex substituent. Because, dear students, this very substituent is branched. इसमें शबश इस complex substituent में भी branched है, branches है. That means a complex substituent has branches within branches. Are you getting my point? यहाँ पे मैं rule first explain यहाँ पे कर लूँगा और वहाँ पे अच्छी तरह से we will discuss about the nomenclature of rules for the nomenclature of complex substituents और अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये complex substituent कौन कौन सा है और किस तरह से होता है. शाबाश. We will here discuss now the rule first. Rule first here we are going to discuss. As per the rule first, if a substituent on the parent chain is complex, अगर किसी parent chain में जो substituent होता है वो complex होता है, that means bracket में मैं यहां पर लिखूंगा is complex. If a substituent on the parent chain or on the main chain is complex, means branched, it is considered as substituted alkyl group. शाबाश बेटा. इस तरह से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कार्बन चेन है डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है. यहां पे मैं सिर्फ कार्बन एटम्स लेता हूं. कार्बन एटम की शाबाश, इस कार्बन एटम की एक वैलेंसी सेट्स पे हो गई है, इसका मतलब है थ्री हाइड्रोजन एटम्स है. यहां पे दो वैलेंसी सेट्स पे हो गई है,
दो हाइड्रोजन एटम्स है दो सेट्स पे हो गई है, दो हाइड्रोजन एटम्स है दो सेट्स पे हो गई है, दो हाइड्रोजन एटम्स है एंड सो ऑन। जिस जिसकी दो दो वैलेंसी सेट्स पे हो गई है उसके साथ दो हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक तीन वैलेंसी सेट्स पे हो गए है, इसका मतलब है यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे एक वैलेंसी थ्री हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे तीन वैलेंसी एक हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पे भी थ्री हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो। शाबाश बेटा, अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हम सिर्फ कार्बन चेन यहाँ पे दिखाते हैं, कार्बन 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 एटम्स यहाँ पे दिखाते हैं। दैट मीन्स हियर डियर स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स, दिस इज कंसिडर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। अगर डियर स्टूडेंट्स ये सबस्टिट्यूएंट यहाँ पे इस तरह से होगा, इस कार्बन एटम को डायरेक्टली CH2 और CH3 अटैच होगा, एट दैट वेरी टाइम इट वॉज प्रोपाइल, इट वॉज प्रोपाइल ग्रुप एन प्रोपाइल। शाबाश, बट हेयर इट इज अटैच्ड विद दिस वेरी कार्बन एटम। शाबाश बेटा, मैं रूल यहां पे एक्सप्लेन करता हूं और after that we will apply to this very example. If a substituent on the parent chain is complex, this very substituent is considered as the complex substituent. It is considered as substituted alkyl group. It is considered this very substituent, complex substituent, will be considered as shabash substituted alkyl group. After that here the complex, the carbon atoms of the complex substituent, shabash, the carbon atoms of the complex substituent are numbered, that means numbering is done, yahan pe numbering ho jati hai, and shabash usi carbon atom ko number 1 diya jata hai which is attached to the parent chain, shabash, the numbering of, yahan pe main likhunga the numbering of complex substituent, is done in such a way so that carbon attached to the parent chain is assigned as number 1. Shabash. And yahan pe, and the name of complex substituent, C substituent maine yahan pe likha, complex substituent, is enclosed in brackets. This is the rule first for the nomenclature of those alkanes containing complex substituents. Dear students, yahan pe main yahan pe explain kar lunga, aur after that we will give name to this very shabash alkane having containing a complex substituent. Shabash dear students, मैंने यहाँ पे कहा इफ ए सबस्टिट्यूएंट ऑन द पेरेंट चेन इज कॉम्प्लेक्स, अगर किसी पेरेंट चेन में, किसी कार्बन चेन में कोई सबस्टिट्यूएंट होगा तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, इट इज कंसिडर्ड एज सबस्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, उसे हम कंसिडर करते हैं एज सबस्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप। द नंबरिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट, इसका मतलब है जो ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है इसकी हम अलग से नंबरिंग करते हैं, इसकी हम अलग से नंबरिंग करती है करते हैं, इज डन इन सच ए वे सो दैट द कार्बन एटम यहां पे मैं लिखूंगा कार्बन एटम अटैच टू द पेरेंट चेन, जो पेरेंट चेन को अटैच होता है, जिसके साथ पेरेंट चेन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, इज असाइनड एज नंबर 1, उसे नंबर 1 दिया जाता है। दैट मीन्स हमेशा याद रख लीजिए बेटा, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट में जिस तरह से हम मेन चेन में, पेरेंट चेन में नंबरिंग कर लेंगे, उसी तरह से शाबाश
कंप्लेक्स अपच चोंड में हम नंबरिंग करते हैं और उस कार्बन एटम को नंबर वन देते हैं जो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होता है पेरेंट चेन से। बेटा हम यहां पे पेरेंट चेन की नंबरिंग कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाउ यहां से स्टार्ट करते हैं शाबा। जब हम यहां हम लोगों ने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की तो चार कार्बन एटम पे सबस्टिट्यूएंट है। यहां से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब है यही नंबरिंग करेक्ट है क्योंकि शाबाश वी हैव टू सिलेक्ट दैट वेरी कार्बन चेन विच गिव्स द लोवेस्ट नंबर टू द सबस्टिट्यूएंट। देख लीजिए बेटा चार पोजीशन पे चार कार्बन एटम पे फोर्थ कार्बन एटम पे हमारा कंप्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है। हमें क्या रूल है, हमें यहां पे भी वही आईयूपीएसी रूल अप्लाई करने हैं जो हमने यहां पे किए। लेकिन रूल क्या है कि कंप्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का जो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होता है पेरेंट चेन को उसे हम नंबर वन देते हैं। इसको हमने नंबर वन दे दिया। यहां पे भी हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, यहां से जाते हैं तो टू, यहां से भी जाते हैं तो टू। इसका मतलब है या ये या ये वाली चेन, दैट मीन्स वन पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप है, वन पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप है। नाउ वी विल नेम दिस वेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड और वी कैन से एल्केन हैविंग ए कंप्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। फोर पोजिशन पे डियर स्टूडेंट्स कंप्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है। पहले हम फोर ही लिखेंगे, उसके बाद मैंने कहा डियर स्टूडेंट्स द नेम ऑफ द कंप्लेक्स सबस्टिट्यूएंट इज एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। नाउ वी हैव नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ दिस वेरी कंप्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। वन पोजिशन पे सबस्टिट्यूएंट है, कौन सा सबस्टिट्यूएंट है, मिथाइल। वी विल राइट डाउन वन मिथाइल। After that, dear students, मैंने यहां पर कहा जो ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है उसी तरह से जिस तरह से मेन चेन में आईयूपीएसी रूल्स अप्लाई होते हैं उसी तरह से यहां पर भी होते हैं। That means on one carbon atom यहां पर methyl group है। Now it is eth। अब आप एन लिखोगे लेकिन dear students eth एन ही नहीं ethyl, because इथाइल भी सबस्टिट्यूएंट है किसका, मेन चेन का। नाउ वी विल क्लोज द ब्रैकेट, दैट मींस दिस इज फोर, वन मिथाइल इथाइल, वन मिथाइल इथाइल। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, नाउ देयर आर एट कार्बन एटम्स, दैट मींस ओक्ट एनी। क्यों, बिकॉज इट इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिकॉज इट इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डियर स्टूडेंट्स दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर द nomenclature ऑफ those very hydrocarbons containing saturated hydrocarbons containing complex substituents। complex substituent को हमें अलग से numbering करनी है, लेकिन हमें क्या rule याद रखना है कि उस carbon atom को हमें number वन देना है जो carbon atom directly attached होता है parent chain से। You can take the screenshot of this। Now we will discuss another example। प्यारे बच्चों हम दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पे करने जा रहे हैं। उस दूसरी एग्जाम्पल में भी हम उसी तरह से वही रूल्स अप्लाई कर लेंगे जो हमने रूल फर्स्ट में यहाँ पे देखा है कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट को हमें नोमेनक्लेचर देना है। नाउ dear students, we will number the carbon atoms of the main chain, we will select the longest continuous carbon chain 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। now this is the longest continuous carbon chain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। yahan se start karte hain 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10। यहां से भी 10 कार्बन एटम है, लेकिन यहां से सिक्स्थ पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है। जब हम यहां से आते हैं तो फिफ्थ पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है। वी हैव टू सिलेक्ट दैट वेरी चेन विच गिव्स लोवेस्ट नंबर टू द सबस्टिट्यूएंट। नाउ दिस इज द कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट।
Now, what is our rule? The carbon atom which is attached to the main chain gets number one. उसे हम number one देते हैं. यहाँ पे भी हम वही rules apply कर लेंगे जो हम भी यहाँ पे rule apply किया है. लेकिन हमारी क्या condition है? वो उसी carbon atom को हमें number one देना है, which is attached to the पेरेंट चेन. यहाँ पे भी हमें लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है. 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे 1 2 और 3 यहाँ से भी 1 2 3. नाउ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें नेम देना है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इस एल्केन को कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट. 5 पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है ब्रैकेट स्टार्ट. 1 और 2 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है. 1, 2 डाई मिथाइल. नाउ हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1, 2 डाई मिथाइल. नाउ आफ्टर दैट प्रोप एनई, लेकिन प्रोप एनई नहीं वाई एल, बिकॉज ये भी एक कॉम्प्लेक्स, ये भी एक सबस्टिट्यूएंट है. किस चेन का? मेन चेन का, पेरेंट चेन का. डेक्ट डेक, बिकॉज 10 कार्बन एटम्स आर देयर एन ई डेकेन. 5, 1, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल डेकेन. नाउ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट होता है, यही रूल आप याद रखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट होता है एक कार्बन चेन को जब वो अटैच्ड होता है, उस कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट को हम अलग से नंबरिंग करते हैं. लेकिन हमें यही याद रखना है उसी कार्बन एटम को नंबर वन देना है जो पेरेंट चेन से अटैच होगा. हमें अगर यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ये भी थी 1, 2, 3 और 4, लेकिन हमें इसको नंबर वन नहीं देना है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज हमें क्या याद रखना है? उसी कार्बन एटम को नंबर वन देना है विच इज अटैच टू द पेरेंट चेन, विच इज अटैच टू द पेरेंट चेन. This is the second example. Here we have discussed rule first, dear students. Now rule second. Rule first पे ही ज्यादातर examples आ जाती है. Competitive examination में भी और किसी भी examination में जो board का होगा या CBSE का होगा, ज्यादातर rule first पे ही examples आ जाती है. Rule second भी important है, rule third भी important है, rule fourth भी important है. There are 4 rules for the nomenclature of complex substituents. Now rule second. If the complex substituents attached to the carbon chain our parent chain are of equal length, अगर हमारे पास दो complex substituent होंगे और these are of equal length, मतलब equal number of carbon atoms are there, then that complex substituent is considered as part of longest carbon chain which contains maximum number of alkyl groups. मैंने डियर स्टूडेंट्स यहां पे रूल सेकंड लिखा है. इफ द कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द पेरेंट, इफ टू यहां पे लिख लीजिए, इफ टू कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द कार्बन चेन आर ऑफ इक्वल लेंथ, देन दैट कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट is considered as part of the longest carbon chain which contains maximum number of alkyl groups. Dear students,
डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख लीजिए, दिस इज द कार्बन चेन कंटेनिंग टू कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स विच आर इक्वल लेंथ, विच आर इक्वल लेंथ। आप लोग देख लीजिए किस तरह से कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है। वी विल नंबर द कार्बन एटम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। यहां से जाते हैं डियर स्टूडेंट्स 9 कार्बन एटम्स आते हैं, यहां से जाते हैं तो 9 कार्बन एटम्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डियर स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। नाउ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तीन तरह से हमें लॉन्गेस्ट, चार तरह से हमें ये और ये वाली और ये वाली, चार कार्बन एटम, चार तरह से हमें द कार्बन चेन 9 कार्बन एटम्स की आ जाती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहां पे दो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स है विच आर इक्वल लेंथ। अभी मैंने डियर स्टूडेंट्स बताया कि कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट ये भी है, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट ये भी है, ये भी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है और ये भी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब किस कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट को हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हिस्सा कहेंगे? ऊपर रूल में लिखा गया है इफ टू कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द कार्बन चेन आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये भी चार कार्बन एटम्स की है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मेन चेन तो ये है, मेन चेन के कार्बन एटम्स ये है। इफ टू कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द कार्बन चेन आर ऑफ इक्वल लेंथ, देन दैट कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, ये भी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है और ये भी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है। इसमें कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, या इस तरह से इसमें एक ही सबस्टिट्यूएंट है, इसमें कितने सबस्टिट्यूएंट्स हैं? 2 सबस्टिट्यूएंट्स हैं, जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स में ब्रांचेस होंगे, जिस कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट में ज्यादा ब्रांचेस होंगे उसी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट को हम मेन चेन का हिस्सा शाबाश कह सकते हैं। नाउ नंबरिंग किस तरह से होगी डियर स्टूडेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 5 पोजिशन पे सबस्टिट्यूएंट है, या 1, 2, 3, 4, 5, यहां से जाएंगे तो 3 पोजिशन पे भी सबस्टिट्यूएंट्स है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिए, सर क्या यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की तो नो डाउट कि कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट को 5th पोजीशन मिलती है, लेकिन यहाँ पे और 2 सबस्टिट्यूएंट्स है जिनको 7th पोजीशन मिलती थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग यहां से स्टार्ट की, 1, 2, 3, मीन्स we have to number the carbon atoms in such a way so that the substituent gets the lowest number. That means yahan pe hame is complex substituent containing organic compound containing alkane is dear students, we have to name this very complex substituent. How? First of all, we have to name this very substituent. Pehle hame is substituent ko naam dena hai. डियर स्टूडेंट्स, किस पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है? 3, 3 डाइमिथाइल। अब कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट को हमें नाम देना है। नाउ 4 पोजीशन पे है, ब्रैकेट स्टार्ट, 1, 2, 3 and 4। डियर स्टूडेंट्स, जो ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है उसको हमें अलग से नंबरिंग करनी है। नाउ 3 मिथाइल, 3 पोजीशन पे इसका मिथाइल ग्रुप है। आफ्टर दैट हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? ब्यूट, 4 कार्बन एटम्स, वाइल ब्यूटाइल।
3-3-dimethyl 4, sorry, 5-3-methyl-butyl. Now, how many carbon atoms are there? None. 3-3-dimethyl 5 position पे complex substituent है. Complex substituent का 3 position पे methyl group है. 3-methyl. अब कितने carbon atoms complex substituent के हैं? 4. That means butyl. Now, main chain में कितने carbon atoms हैं? Dear students, 9. That is why none. This is the name of this very organic compound containing two complex substituents. One of the complex substituent is considered as part of the main chain. Why? Because it contains maximum number of alkyl groups or maximum number of branches. This is the rule. Second, you can take the screenshot of this. Now, rule third. थर्ड में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस तरह से कोई कार्बन चेन होगी. Now, हम पहले नंबरिंग स्टार्ट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Longest carbon chain 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Now, dear students. यहां से भी 9 कार्बन एटम्स, यहां से भी 9 कार्बन एटम्स, लेकिन ये वाली नंबरिंग सही है क्योंकि सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर 4 पोजीशन पे मिलता है. दैट इज व्हाई दिस वेरी नंबरिंग इज द करेक्ट नंबरिंग. नाउ हियर इन दिस वेरी केस सीसी, दैट मींस इट मे बी इथाइल ग्रुप. इट इज इथाइल ग्रुप. दैट इज डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो वैलेंसी सेट्स पे हो गई है सी एच टू, यहाँ पे एक ही सेट्स पे हो गई है, दैट मीन्स सी एच थ्री. इथाइल मीन्स सी टू एच फाइव. नाउ डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ पोजीशन पे ये इथाइल ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पे एक कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है. हमें क्या रूल है? कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट को हमें अलग से नंबरिंग करनी है और उस कार्बन एटम को नंबर वन देना है जो डायरेक्टली अटैच होता है किससे? मेन चेन से. 1 और 2 या 1 एंड 2. डियर स्टूडेंट्स, ये जो ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है इसका नाम क्या होगा? 1, 1 डाई मिथाइल. अब कितने कार्बन एटम्स हैं? इथाइल. मीन्स इट इज डाई मिथाइल इथाइल. इट इज डाई मिथाइल इथाइल. हियर इट इज इथाइल. अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स डिस्कस किया था वहां पे मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में बताया था. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने कहा था जो सबस्टिट्यूएंट, इफ देयर आर टू सबस्टिट्यूएंट्स इन द कार्बन चेन एट डिफरेंट पोजीशंस, देन वी हैव टू नेम द सबस्टिट्यूएंट्स एज पर देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सेम इज द केस हियर. वहां पे अगर मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप होता था तो इथाइल ग्रुप को हम पहले एज सबस्टिट्यूएंट लेते थे, उसके बाद मिथाइल ग्रुप को लेते थे. लेकिन यहाँ पे क्या है कि व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट इज कंसिडर्ड as the first letter of the complete name. Dear students, while deciding the rule third is, while deciding the nomenclature of complex sub, while deciding the alphabetical order of the complex substituents,
द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंस्टिट्यूएंट इज कंसिडर्ड टू बिगिन विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द कंप्लीट नेम. हियर द कंप्लीट नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट इज डाइमिथाइल इथाइल. इसका मतलब है उसका जो पूरा नाम है इट स्टार्ट्स विद डी, हियर इट स्टार्ट्स विद ई. दैट मींस पहले हमें किसको एज सबस्टिट्यूएंट लिखना है, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट को. दैट हियर यहां पे कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट को ही हमें पहले लिखना है. दैट मींस फोर ब्रैकेट स्टार्ट्स वन कॉमा वन डाई मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज नाउ फाइव इथाइल. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? नाइन. नो मीन बिकॉज इट इज ए सैचुरेटेड कार्बन चेन. बिकॉज इट इज ए सैचुरेटेड कार्बन चेन. यहाँ पे हम आप लोगों ने ये भी समझ लिया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें किस तरह से देना है ज्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स. ज्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट इज कंसिडर्ड टू बिगिन विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द कंप्लीट नेम. इसका कंप्लीट नेम क्या है? डाई. दैट मीन्स ड्राई ट्राई और टेट्रा यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, वहां पे नहीं किया जाता था. इनके हिसाब द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स हैविंग नो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स. जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स नहीं होते हैं वहां पे डाई ट्राई कंसिडर नहीं किया जाता है. वहां पे जो नाम ही होता है, फॉर एग्जाम्पल डाई मिथाइल एम से स्टार्ट किया जाता है, वहां पे उसका कंप्लीट नेम होता है. वो जब स्टार्ट होता है तो एम से, डी से नहीं. लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नेम डाई मिथाइल इथाइल कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का डी से स्टार्ट हो गया. इसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट ई से पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसीलिए यहाँ पे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट को ही पहले लिखना है. दिस इज द रूल फोर्थ. रूल थर्ड सॉरी नाउ रूल फोर्थ इज फॉर एग्जाम्पल दो रूल आप लोग ने खुद लिख लिए यहाँ पे. आप थर्ड खुद लिख लीजिए कि अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें डिसाइड करना है तो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का जो कंप्लीट नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर होता है वो कंसिडर किया जाता है कंप्लीट नेम में. नाउ फोर्थ फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास एक चेन है इस पोजिशन पे. यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है. रूल फर्स्ट एज पर रूल फोर्थ इफ देयर आर टू कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स इन द मेन चेन, अगर दो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स मेन चेन में होंगे देन न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस बिस फॉर टू ट्रिस फॉर थ्री टेट्राकिस फॉर फोर पेंटाकिस फॉर फाइव. इफ टू कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स आर देयर देन बिस. इफ थ्री आर देयर देन ट्रिस. इफ फोर आर देयर देन टेट्राकिस. फाइव आर देयर पेंटाकिस. दैट मीन्स इफ टू कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड टू द पेरेंट चेन then bis, then if 3, then tris and so on are used. Now, here, my dear students, यहाँ पे दो complex substituents हैं. We will number the main chain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have to select the longest continuous carbon chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये भी छोटी ये भी नहीं आएगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 या यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो 8 कार्बन एटम्स की है. लेकिन फिफ्थ पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट को फिफ्थ पोजीशन मिलती है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ. वी हैव टू सिलेक्ट दैट वेरी कार्बन चेन व्हिच गिव्स लोवेस्ट नंबर टू द सबस्टिट्यूएंट. नाउ दीज आर द कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स. आप लोगों को पता है कि इनको अलग से नंबरिंग करनी है. उस कार्बन एटम को नंबर वन देना है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेन चेन. यहाँ पे दिस विल बी वन एंड दिस विल बी टू.
यहाँ पे दिस विल बी वन एंड दिस विल बी टू. नाउ दे आर स्टूडेंट्स, किस पोजिशन पे है ये? फोर. लेकिन फोर पे कितने सब स्टूडेंट्स हैं? दो. फोर फोर बीस. आफ्टर दैट वी हैव टू यूज द ब्रैकेट. वी हैव टू यूज द ब्रैकेट. वन मिथाइल, वन मिथाइल. यहां पे भी वन पोजिशन पे मिथाइल है, यहां पे भी वन पोजिशन पे मिथाइल है. आफ्टर दैट हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? यथ इथाइल वायल. इथेन नहीं, एनी के बदले वायल, बिकॉज ये भी एक सब स्टूडेंट है. किसका? मेन चेन का. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? ओक्टेन. डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पे ये फोर्थ पोजिशन पे नहीं होगा, फिफ्थ पोजिशन पे होगा, देन फोर फाइव बीस यही कॉम्प्लेक्स सब स्टूडेंट होगा. वन मिथाइल इथाइल ओक्टेन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, शाबाश. These are the rules for the nomenclature of complex substituents. I will repeat it once again. I will repeat them once again. First rule हमें क्या कहता है? We will summarize them now. अगर किसी कार्बन चेन में कोई complex substituent होगा, उस complex substituent को हमें अलग से numbering करनी है, लेकिन उस कार्बन एटम को number वन देना है. complex substituent के कार्बन एटम को number वन देना है जो directly attach होगा main chain से. Are you getting my point? Second क्या है? Now, अगर दो complex substituents, if two complex substituents are equal length and attached to the parent chain, दो complex substituents होंगे और उनकी number of carbon atoms same होंगे, उसी का complex substituent को हम main chain का हिस्सा मानते हैं, जिसमें maximum number of branches होंगे या maximum number of alkyl groups होंगे. Third rule is that while deciding the alphabetical order, जब हम alphabetical order complex substituent का decide करते हैं, complex substituent को जो का जो complete name होगा, उसका जो first letter होगा, वही हम alphabetical order में consider करते हैं. Fourth rule में हम क्या कहते हैं? Fourth rule में अगर दो या दो से ज्यादा complex substituents main chain को parent chain को attach होंगे, तो हम bis for two, tris for three, टेट्राकिस फॉर फोर, पेंटाकिस फॉर फाइव शब्द यूज करते हैं बिफोर द नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट. आर दिस ट्रिस टेट्राकिस इज एडेड बिफोर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट. दिस वाज ऑल अबाउट द रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स. डियर स्टूडेंट्स, in the coming lectures we will discuss about other rules for the nomenclature of alkenes as well as alkynes. Thanks for watching.